2 मार्च बलोच सकाफती दिन को मुल्क भर की तरह डेरा मुराद जमाली में भी बलोच कल्चर डे के तौर पर मनाया गया। सबा लिटरेरी फार्म के तहत बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के जेर निगरानी बलोच कल्चर डे के मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नसीराबाद के बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन ने बलोची लिबास जेबो तन किए हुए कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मौके पर बलोची कशीदाकारी से तैयार किए गए अशिया, बलोची बुक्स और बलोची पेंटिंग्स के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर बलोची सॉन्ग पर बच्चियों ने बलोची रक्स भी किया। मजीद इस हवाले से नौजवानों ने वश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, अवल खुला मुस्त नन्ना गिड़ाए पो मरे इनके एनोना रा दे बलोच कल्चर डे ना वालर 2 मार्च तो नसीराबाद अठी शायद के दोनों बल्लो मेगा प्रोग्राम अड तिनिंगो दा शायद नना रा बेच गिदरेंगा ने वो दोनों प्रोग्राम खन तने के नना सकाफत ना हवा लट दा नने प्रोग्राम इतिंगो और दाड़े नी खनिंग उसके फोटोग्राफी अरा मस्सो ने कमाचर बलोचना सैडा दाम असे मिसाल के नना सकाफत जिंद तिखिंग के एलो नना ट्रेडिशन ना वालट एड़े अरा बलोची सकाफती गिड़ा को ओफ ते नोरिन तो ओम असे बलोची सकाफत जिंद तिखिंग किन ओ गिड़ा कमर रख और नन ओर तो नवार अवार उरिन तो बजान किताबी मेला लगो के बसाक स्टूडेंट ना सैडा ओ दे नन होरिन के ओ अरे ना असे तालीम ना सैडा नना हरा मखलूक के ओफ्ते आगाही ते निंकिन के दा हरा नना बलोची सकाफत अरे ओ दे जिंद तिखिंकिन नने ख्वानो ही तमिक नने ख्वानो ही तमिक दा गेड़ा ते पो मरो ही तमिक मैं वक्त की शादी रोशे गर्ता तो मैं आद का एदा कल्चर डे मनाए नगा मैं ए बलोची सकाफत है मा हर टे में ही पैदा भी सें हर टे में वसी शहूर आम आखते हैं तो माँ उसी में बलोची कल्चर डे आ मने ना पैदा हूँ हर दफ़ा ए दफ़ा बास जो है इंदा प्रोग्राम में भी दीनार ग्राउंड हम और एदा पिक्चर्स वगैरह इंदा बलोची सकाफत है कोट वगैरह कुल इंदा दस्तियाब हूँ और मार ए वसी बलोच भी गए वसी बलोचिस्तान है बलोची कल्चर डे मने ना मार बास फ़ख्र है। नौजवानों का कहना था कि 2 मार्च के दिन को हर साल हम पुरअमन तरीके से अपने सकाफती दिन को मनाकर दुनिया भर के अवाम को ये पैगाम देते हैं कि बलोच कौम एक पुरअमन और मुहिब्बे वतन कौम है। बलोच सकाफती दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि हम अपने आने वाली नस्लों को अपने सकाफत से आगाह करें। कैमरामैन माशूक रिंद के साथ रियाज बलोच, वश न्यूज़, नसीराबाद।